असलकम गलकम टू एन एम फूड आज हमारी डिश का नाम है फ़िश कड़ी या फ़िश कढ़ाई जो भी आप उसको कह लें रस मिसा ये सालन है वन कांटे के जी काटे के बगैर ये मछली थी एक प्याज है अधिक लहसुन पेस्ट टमाटर और हरी मिर्चें। अब एक पैन में हाफ कप ऑयल डालेंगे इसमें स्लाइस की भी अनियन डालेंगे प्याज इसको गोल्डन ब्राउन होने तक इसको हम पकाएंगे प्याज को हमारा प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया है अब हम इसको ब्लेंडर के अंदर डाल देंगे इसको निकाल लेंगे ऑयल में से ब्लेंडर जार में जग में डालें अब इसके अंदर अदरक लहसुन पेस्ट डालें वन टीस्पून स्पून दो चौपकी हुए टमाटर और हरी मिर्चें वन टेबल स्पून दही अब इसको ब्लेंड करेंगे हम उसी सेम पॉट के अंदर इसको डालेंगे हमारा जो मिक्सचर था थोड़ा पानी डालेंगे ताकि ब्लेंडर में जो मसाला लगा हुआ है वो सारा अच्छे से निकल आए अब इसकी हम बुनाई करेंगे अच्छे से साथ ही हम इसमें वन टीस्पून नमक डालेंगे वन टीस्पून लाल मिर्च हाफ टी स्पून हल्दी वन टीस्पून कुटी लाल मिर्च वन टीस्पून धनिया पाउडर हाफ टी स्पून ज़ीरा पाउडर मसाले डालने के बाद इसको अच्छे से बनाई करेंगे गाइस जो मेरे चैनल पर न्यू है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया हुआ है वो मेरी वीडियो को लास्ट तक देखा करें और लोगों को शेयर भी करें मेरी वीडियो जो रेसिपी आपको अच्छी लगे कमेंट में ज़रूर बताया करें अब इसकी भुनाई करेंगे ऑयल सेपरेट होने तक ये तकरीबन एटी परसेंट हमारा मसाला भुन चुका है इसके अंदर हम धुली हुई वॉश कांटे के बगैर मैशरी डालेंगे इसको मैंने अच्छे से धो लिया था नमक नमक के साथ फिर उसके साथ बाद में मैंने आटे के साथ इसको मल मल के अच्छी तरह धोया आप चाहें तो सिरके के साथ भी इसको धो सकते हैं अब इसको बगैर चमचे के हम इसको पकाएंगे एवरी ईच साइड जो है हम पाँच पाँच मिनट के लिए पकाएंगे। तब तक पकाएंगे मसाला और फिश यकजा हो जाए और ज़्यादा चमचा यूज़ नहीं करना इससे मछली के जो ये स्लाइसेस हैं ये टूट जाएंगे पैन को उठाएं इस तरह गोल गोल घुमाते जाएं चमचा मारने की ज़रूरत नहीं है दूसरी साइड हमने फ्लिप की थी उसको भी पाँच मिनट के लिए पकाएंगे अब इसकी बुनाई हम इसी तरह ही करेंगे बहुत ही आसान और मज़ेदार रेसिपी है आप ज़रूर ट्राई करें वीडियो को लास्ट तक देखा करें ताकि कोई स्टेप मिस ना हो अब इसको हम सर्व करेंगे आप इसको नान और रोटी के साथ खा सकते हैं कुछ लोग चावल भी ट्राई करते हैं इसके साथ गरम मसाला डालेंगे और धनिया आप लेमन भी डाल सकते हैं अगर आपको लेमन का टेस्ट अच्छा लगता है फ्लेवर के लिए आप ऐड करें अल्लाह हाफिज़ गाइस सब्सक्राइब माय चैनल